अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. एज यू कैन सी देर इज़ अ पार्सल और दिस इज़ अ चॉपर. सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक चॉपर. दिस इज़ नॉट अ रियली अ बिग ब्रांड लाइक फिलिप्स और एन अदर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड. दिस इज़ नेम इज़ सिल्वर क्रेस्ट. सो काफ़ी इसकी मैंने स्पॉन्सर देखी कि ये यूज़ करें. दिस इज़ अमेजिंग फॉर चिकन बीफ, क्रश कर देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है. और इसकी वारंटी भी थी, 7 डेज रिटर्न पॉलिसी थी इसकी. और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उसको फिक्स करेंगे. सो फॉर्चुनेटली जो इसका एक कंडीशन था कि व्हेन यू आर गोना ओपन दिस यू हैव टू मेक अ वीडियो एज अ प्रूफ. सो फॉर्चुनेटली मैंने है ना वो पढ़ी नहीं कंडीशन क्या थी. तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो मैंने क्योंकि रिव्यू करना था तो मेरे पास एज ए प्रूफ वीडियो थी. सो मैंने ओपन किया तो इट्स जो ये मोटर है इसकी इट वॉज रैटलिंग इन साइड. सो मुझे लगा कि आई थिंक इट्स ब्रॉक डाउन. सो मुझे लगा कि ये तो ख़राब है अंदर से, लेकिन मुझे लगा कि मे भी ना हो क्योंकि एज ए डिफ़ॉल्ट ऐसे ही हो. तो मैं थोड़ा सा मैं घबरा गई थी. सो इसका जो बॉल था वो देख सकते हैं आप, काफ़ी क्लियर है. और ये है मेरे ख्याल स्टील का है, स्टील का. और अंदर इसके ये जो चीज़ें थी अवेलेबल वो थी. और इसके जो शार्प किस्म के ब्लेड्स थे कोई 4 लगे हुए, और इनके ऊपर प्लास्टिक का वो था, यानी कि प्रोटेक्शन अच्छी खासी की हुई थी. सो मैंने सोचा कि मे बी इट्स इन माय हेड, मे बी ख़राब ना हो एज ए डिफ़ॉल्ट इसकी हो, ऐसी ही सेटिंग हो और वो रैटलिंग कर रहा हो इनसाइड मशीन, कोई प्रॉब्लम ना हो. तो मैंने ज़रा थोड़ी सी प्याज़े काटी और मैंने सोचा कि लेट्स गिव अ ट्राई. तो हो सकता है कि इट्स नॉट रियली ब्रोकन. तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव अ ट्राई. तो जैसे ही मैंने इसको ट्राई किया तो इट वॉज़न्ट वर्किंग एट ऑल. जब वर्क ही नहीं किया तो मैं परेशान हो गई. तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें. फिर मैंने उसको वापस मैसेज किया कि इट्स नॉट वर्किंग. वो कहते हैं मैम यू हैव टू सेंड अ वीडियो. तो मैंने कहा अगर मेरे पास वीडियो ना होती तो वापस ना करते आप. सो यू हैव टू मेक अ वीडियो बिफोर ओपनिंग दिस. सो उन्होंने एक हफ्ता लगाया तो दे सेंट मी माई मशीन बैक. तो जैसे ही आप देख रहे हैं मैंने फिर चॉपर यूज़ करने के लिए मैंने सोचा कि इसका रिव्यू करना है तो लेट्स डू इट टुडे. तो आज ही मेरी मशीन वापस आई है. तो मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें, पुदीना और गार्लिक इसके अंदर डाला है. मैंने सोचा कि लेट्स गिव अ ट्राई, लेट्स डू इट इफ़ इट इज़ वर्किंग. और इसके प्राइस आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे. इट्स वेरी वेरी चीप एंड वेरी रिजनेबल. सो मैंने सोचा कि एक रिव्यू तो बनता है. इट्स ओके अगर ख़राब भी निकला है तो इट्स नॉट रियली इतनी महंगी भी नहीं है. इट्स वेरी चीप, ओनली 4,500 rupees. सो आई थॉट लेट्स गिव अ ट्राई. सो यू कैन सी एज द रिजल्ट. भाई इसने तो कुछ उम्र बना दी है इसका, इम्प्रेसिव. अब इसमें गोश्त डाल के देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है. लेट्स सी. सो एज यू कैन सी ये देखिए मैंने ना ये उबाल के रखा हुआ है. थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी भी है. तो अभी इसके अंदर डालते हैं देखते हैं. मैं आपको रिजल्ट अभी दिखाती हूँ. आहा, लुक एट दिस, ज़बरदस्त ज़बरदस्त. वाकई की जुमर बना दिए देखे. एक्चुअली ये थोड़ा ये देखें, ये बहुत थोड़ा मुझे पतला लग रहा है थोड़ा. तो मैं इसके अंदर मैंने एक ब्रेड डाला है ताकि इसकी थिकनेस को इम्प्रूव किया जाए इसके. ये देखें Unbelievably amazing result. Wow, impressive. I'm already impressed. So ये है इसका outcome. As you can see, बिल्कुल इसने ये मैंने रखा था कुकर लगा के और इसने बिल्कुल पीस दिया. और वैसे भी मैंने जो इसकी वीडियो देखी थी वो कच्चा चिकन जो था, कच्चा चिकन डालते हैं तो वो भी उसको क्रश कर देता है. तो नेक्स्ट वीडियो या शॉर्ट में मैं दिखाऊंगी कि कैसे कच्चा चिकन ये करता है अच्छे से क्रश या नहीं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप यू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.